जनवरी या फरवरी वो आ सकती है मतलब। अच्छा, लेकिन 4 आर जो है ZX को कन्फर्म है। थैंक यू मैम, बाय बाय। ये इफेक्ट देख रहे हो आप, कितना खतरनाक इफेक्ट है, हॉरर वाला। ये चेन ल्यूब वगैरह होनी बाकी है, बाकी अभी गगन भाई से स्टैंड वगैरह से उठा रहे हैं। एरो के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं उसमें, और इसमें मोटा टायर डला हुआ है। अरे भाई, जूली सो रहा है क्या? वैम्पायर ब्लड, वैम्पायर इंसान को मारते हैं, मैं वैम्पायर को मारता हूँ। काफी दिन बाद बॉब आप मेरे ब्लॉग में दिखाई दिए। मिलने के लिए आए सब और ब्लॉग देख रहे हैं, बढ़िया ये सबने। अब है जो है वो समा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। ये इफेक्ट देख रहे हो आप, कितना खतरनाक इफेक्ट है, हॉरर वाला। तो भाई मैं आया हूँ देहरादून में, देहरादून वाले घर पे आया हूँ, और ये देखो इफेक्ट आप जरा, ये देखो गैली का इफेक्ट। ये निकू है, ये कारिस्तानी है, मतलब गैली को एकदम हॉरर इफेक्ट में कर दी। तो गाइज मैं आया हूँ देहरादून वाले घर पे, और मैं बता दूँ आपको गाइज, एक्चुअली मैं इसलिए आया हूँ देहरादून क्योंकि मुझे करवानी है अपनी कावासाकी की सर्विस, Z900 की सर्विस करवानी है। एक मिनट में पहले लाइट जला लेता हूँ क्योंकि लाइट नहीं जली हुई है तो कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, टाइम बंद कर देते हैं। कावासाकी Z900 की सर्विस करवाने के लिए, तो भाई यहाँ पे देखा आगे मैंने कोई भी नहीं है, शवाना वाली भी नहीं है, निकू भाई भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ गए हुए घूमने के लिए, या पता नहीं कुछ मूवी वगैरह देखने गए या क्या करने गए, मुझे नहीं पता। भी इतनी मेरी बाइक चली नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सर्विस करवानी पड़ रही है क्योंकि कावासाकी वालों ने मुझे कहा कि भैया ये जो है गैर उसमें होती है, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलना है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको सर्विस करवानी पड़ेगी इतने टाइम तक के लिए। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ सर्विस करवाने। अभी तक मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1400 या 1500 चली है, इससे ज़्यादा नहीं चली, और 6-7 महीने हो चुके हैं मेरी बाइक को, तो उसकी सेकंड सर्विस हो रही है। अब तो आज सेकंड सर्विस करवाएंगे, तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सैनी। फाइनली गाइस अपन हो चुके हैं रेडी, और अपना हेलमेट वेलमेट लगा लिया हमने, चश्मा लगा लिया, और नहा धो के रेडी हो चुका है एकदम। मैंने फुल स्लीव की टी शर्ट इसलिए पहनी हुई है क्योंकि भाई बाहर हो रखी है धूप बढ़िया, तो उसकी वजह से फुल स्लीव की टी शर्ट पहन रखी है कि हाथ वात का लेना हो। और जब भी मैं देहरादून आता हूँ ना, तो इस वाले रूम में रुकता हूँ क्योंकि ये रूम मुझे बढ़िया लगता है, और पहले से मैं इसी रूम में रुकता आ रहा हूँ। जब भी देहरादून आता हूँ ना, तो यहीं पे रुकता हूँ मैं, ये मेरा ही रूम है एक तरीके से। चलते हैं, बाइक अपनी बाहर खड़ी हुई है, और बाहर दिखाता हूँ आपको कितनी धूप रखी है। और ये खड़ी मेरी सबसे पहली गाड़ी रेड डेविल, जिसका नाम मैंने रेड डेविल रख रखा था, ठीक है, अपने स्विफ्ट। और इसके पीछे मैंने लिखवा रखा था वैम्पायर ब्लड, वैम्पायर ब्लड मतलब जो वैम्पायरों को मारता है, वैम्पायर इंसान को मारते हैं, मैं वैम्पायरों को मारता हूँ जो वैम्पायर का खून पीते हैं। तो ये खड़ी अपनी Z900, और चलते हैं। और धूप देख लो आप, कितनी खतरनाक धूप हो रखी है भाई साहब। और इस पे आम आते हैं बड़े मस्त, इस वाले पेड़ पे ना, आम के पेड़ पे बहुत मस्त आम आते हैं भाई साहब, इतने बढ़िया बढ़िया आम होते हैं ना, मीठे आम। हमें आम खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम तो हर बार इसी पेड़ से अपना आम वाम तोड़ते हैं, मज़ा आ जाता है। धूप देख रहे हो आप कितनी खतरनाक, और इधर कुछ व्यू ऐसा है, इधर खड़ी अपनी फेजर और इधर खड़ी अपनी Z900, और चलते हैं भाई, धूप खतरनाक है, चलते हैं। ओह फाइनली गाइस आ गया मैं कावासाकी के शोरूम में, और सर्विस के लिए अभी मैम जॉब कार्ड वगैरह बना रही है, ठीक है, और फिर सर्विस वगैरह करवाते हैं और फिर अपना निकलते हैं अपना जो भी कुछ है। हियर वी गो गगन भाई। तो गगन भाई मिल गए आज मुझे यहीं पर, तो अभी करवाते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह, देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। बाकी और भाई के भाई कुछ गगन भाई ने बताया अभी कुछ नई गाड़ियाँ नहीं आने वाली हैं, तो भी देखते हैं, तो चलते हैं अपना। और क्या गोल्डन मैम, और तो नहीं कुछ करना है? नो सर, बस अब सर्विस के लिए वेट करना है ना। तो गाइज अभी मैम ने और अविनाश भाई ने मुझे बताया है कि 4R और तुम्हारा 6R आने वाली है। 6R आएगी शायद जनवरी या फरवरी में, आ सकती है मतलब। अच्छा, लेकिन 4R जो है ZX को कन्फर्म है इस बार, जो कन्फर्म है। हाँ, 80 BHP का आई है। और गाइस भाई कसम से धूम मच जाएगी, कसम से, जो 4R है ना, 4R तो भाई कमाल बाइक है यार, कमाल ही बाइक है, मतलब कि 400 cc में इनलाइन 4 इंजन, और 6R 600 cc में इनलाइन 4 इंजन, भाई ये दोनों बाइक आने वाली है। और भाई कावासाकी में कसम से भूचाल मचने वाला है खतरनाक, और जल्दी आ रही हैं 4R, तो मुझे लगे अगले महीने आ रही है शायद, अभी बताया मुझे अविनाश भाई ने, और 6R के मुझे पता नहीं है, और शायद एक बाइक और लॉन्च हो रही है वो मुझे नहीं पता। कौन सी बता रहे थे आप? एक वो बता रहे थे ना, ZH2 तो शायद लॉन्च होगी ना। ZH2 तो मिल जाती है, मिल जाती है, मिल जाएगी।
और ये दोनों भाई कब तक हो जाएंगी? अगले महीने तक। ये फोरार तो भी इस महीने आने वाली है। इसी में आने वाली है। रेड एक्स फोरार चलो भाई बढ़िया है। तो गाइस अपनी गाड़ी लिफ्ट पे लग गई और स्टार्ट हो गया वर्क। गगन भाई ने स्टार्ट कर दिया काम। तो अभी इसका सबसे पहले इंजन ऑयल वगैरह देखते हैं क्योंकि ज़्यादा चली का है नहीं। तो देखते हैं किस पोजीशन में है। इधर ये बीस्ट बोल रहा है एक, और एक जी 900 ये खड़ी है जो कि लगी हुई है कहीं से, और 1000 ये खड़ी है यहाँ पर 3000। लेकिन इसके आगे से लुक मुझे कुछ खास नहीं लगती। अरे भाई जूली सो रहा है क्या? हैं जूली 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 लाल। देखो गाइस ये यहाँ पे कावासाकी के शोरूम के पीछे जूली, ये इसका ठिकाना है, और एक बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है। छो जाओ छो जाओ। सो गाइस ये देखो Z1000, और इसमें डबल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, एरो के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसमें, और इसमें मोटा टायर डला हुआ है Z1000 में, और पीछे से इसका लुक बढ़िया आ रखा है, मस्त लग रही है। लेकिन ये Z1000 स्पोर्ट्स वाली नहीं है पूरी, स्पोर्ट्स वाली ये वो है कि आप इसे नॉर्मल लेके घूम सकते हो शहर वगैरह में ना। तो गाइस अभी अपनी बाइक की सर्विस चली रही है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा सर्विस में। बाकी तो गाड़ी में इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, मेरी हल्का फुल्का ही काम था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी सर्विस की। बाकी देखते हैं जैसा भी कुछ है फिर चलते हैं अपना घर पर। अभी गाइस अपनी गाड़ी की सर्विस अभी थोड़ी सी बाकी है, अभी इसकी चेन ल्यूब वगैरह होनी बाकी है। बाकी अभी गगन भाई से स्टैंड वगैरह से उठा रहे हैं, और दो तीन चीज़ गगन भाई ने अभी मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया दी है बाइक के बारे में, बाइकिंग के बारे में। बाकी अभी देखते हैं जैसा भी कुछ है। सो गाइस फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है डन बाइक की, और अभी डायग्नोज वगैरह हुई थी बाइक तो कंप्लीट हो चुकी है, और इस बार बिल भी मैम ने ज़्यादा नहीं बनाया, ठीक है। गगन भाई को भी अभी गगन भाई की मैंने मसाज वसाज करी, अभी ये फ्रेश हो गए। गगन भाई ने पहले बाइक की सर्विस करी फिर मुझे गगन भाई की सर्विस करनी पड़ी। क्यों गगन भाई? तो अभी कैसा लग रहा है गगन भाई? सर्विस में मज़ा आया? चलो ठीक है बाइक ले लेते हैं गाइस और चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि भाई मुझे निकलना है अभी जल्दी फटाफट रुड़की, और पहले जाऊंगा देहरादून वाले घर पे मैं, फिर उसके बाद चलते हैं रुड़की क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं जैसा भी कुछ सीन बनेगा। ओके थैंक यू मैम, बाय बाय। तो गाइस अपनी बाइक की सर्विस डन हो चुकी है, वो रही अपनी बाइक, गगन भाई नीचे उतार रहे हैं बाइक को, और आज गगन भाई की भी सर्विस कर दी मैंने, गगन भाई को बहुत रिलैक्स मिला। गगन भाई अच्छे बताओ आपको सर्विस में मज़ा आया नहीं है? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो बॉब 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 बॉब, काफ़ी दिन बाद बॉब आप मेरे ब्लॉग में दिखाई दिए हो। हाँ काफ़ी दिन बाद। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिन बाद बॉब से मिला हूँ, अभी मैं बाइक वाइक की सर्विस करवा के डायरेक्ट आ रहा हूँ होटल पे, ठीक है। और हाँ साइकिलिंग करके आए हो? तो गाइस काफ़ी दिन से बॉब मुझे दिखाई नहीं दिया था। बॉब अपनी बॉब कहाँ थे तुम? घर पे ही थे और सब बढ़िया? अच्छा बाहर बिल्कुल बंद, अच्छा सब बंद, और बाल बाल कटवा दिए? अच्छा सही, लेकिन बढ़िया लग रहा है ये लुक भी तेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। चलो हेलो भाई। हेलो भैया, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। हाँ अच्छा भैया के पास, चलो ठीक है मिलते हैं फिर। हाँ कल वल्क में मिलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए क्या आप? बस बढ़िया भैया। व्लॉग वगैरह देख रहे हो भैया? अरे गजब गजब, मतलब कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हो इसका मतलब? भाई मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए जो मेरे डेली व्लॉग देखते रहे, ठीक है। तो अंकित भाई जवान मूवी देखी या नहीं देखी अभी तक? भैया अभी तक देखी नहीं अभी तो बनाए प्लान?
जरूर एकदम पक्का पक्का एकदम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई गाइज उधर अपने जरगाम भाई भी आ चुके हैं, ये देखो ये स्पेशली एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं बिल्कुल अभी अभी जरगाम भाई की नहीं मुंह नहीं चल रहा गाइस जरगाम भाई मुंह नहीं चला रहे हैं हाँ जी 900 पे बनेगा। तो गाइस ये देखो भाई मिलने के लिए आए सब और व्लॉग देख रहे हैं बढ़िया ये अपने अभी भाई कह रहा खाना खाते हुए व्लॉग ही चले अपना भाई शेयर वगैरह भी कर रहे नहीं अच्छा बढ़िया चल रहे कोई कमी हो तो बताओ मुझे ना ना। भाई अगर कोई कमी हुआ करे ना तो बता दिया करो तो अच्छा मोटो व्लॉग स्टार्ट करो मोटो व्लॉग रिएक्शन वीडियो चलो यार असल में रिएक्शन वीडियो में जानबूझ के नहीं बनाता अरे बनाओ यार वो गलत मैसेज जाता है मैसेज गलत जाता है उससे अगर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा ना तो उससे भाई एक तो मैं वैसे ही बहुत बदनाम हूँ रुड़की में तो और ज़्यादा कुछ नाम हो जाएगा बदनाम हो के नाम हो जाएगा कुछ ज़्यादा है बाकी वीडियो देख रही हो वैसे ही बस तुम बता दियो सच बताइयो झूठ ना बताइयो ये ज़रूर देखना इसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला जाके चेक करेंगे पक्का ओके बाय बाय बाय। सो फाइनली गाइस आ गया मैं घर पे और हालत देखो मेरी कितनी ख़राब रखी कितना पसीना आ रखा और भाई धूप इतनी ख़तरनाक थी ना आज बहुत ख़तरनाक थी। ठीक है मुंह धोऊंगा फ्रेश होऊंगा पूरा अच्छी तरीके से गाइस और नहाऊंगा अच्छे तरीके से नहाने धोने के बाद फिर रिलैक्स मिलेगा भाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बाइक गर्म बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए गर्मी में बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ गाइज अगले व्लॉग में मिलूंगा क्योंकि हिम्मत ही नहीं है अब इसे आगे कंटिन्यू करूँ व्लॉग को तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो